मुस्तमलिक नू ने वज़ीर-ए-आज़म के तमाम शोबों में कारकर्दगी को सिफर करार दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि बजट होने के बावजूद इमरान खान ने एक साल के दौरान ढेले का काम नहीं किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने सेहत के लिए मुख्तस 11 अरब इस्तेमाल न होने पर वज़ीर आज़म इमरान खान से सवाल किया कि रवा माली साल के लिए सेहत के 11 अरब में से एक पैसा भी इस्तेमाल न होना इमरान साहब का सेहत के शोबे में संजीदगी पर सवालिया निशान है। उन्होंने कहा कि इमरान साहब इस 11 अरब में से ज्यादा स्कीमें मुस्लिम लीग नून की थी और आप पूरी ना कर सके। मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए कहा कि इमरान साहब जो हाल 7 साल में खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों का किया वो इस्लामाबाद के अस्पतालों का भी करना चाहते हैं। इमरान साहब इस्लामाबाद में पेम्स और पोली क्लिनिक के दो अस्पताल भी आप ना चला सके, उन्हें बेहतर ना बना सके। एक साल में सेहत का बजट इस्तेमाल ना हो पाना, अस्पतालों में आलात और दीगर सहूलियात की अदम फरामी इमरान साहब आपकी नाकामी है। आप खसूसी अफराद के लिए इलेक्ट्रो मेडिकल सामान भी एक साल में आप मुहैया नहीं कर पाए हैं। इमरान साहब 1 अरब रुपए वबाई अमराज और दीगर लवाजमात के लिए रखा गया था, वो भी आप इस्तेमाल में नहीं ला सके। इमरान साहब सेंट्रल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुख्तस फंड इस्तेमाल करते तो वबाई अमराज रोकने पर तहकीक हो पाती। इमरान साहब आप बच्चों के लिए ICU की तैयारी, जदीद HVAC सिस्टम का पैसा भी इस्तेमाल ना कर सके। इमरान साहब आपकी नालायकी और गफलत की बिना पर पैसा होने के बावजूद पिम्स के ICU को बेहतर बनाने का काम भी शुरू नहीं हो सका। इमरान साहब सेहत के शोबे में भी आपकी कारकर्दगी सिफर है और बुरा भला पिछली हुकूमतों को कहते हैं। इमरान साहब अपनी जाती अना और तकब्बुर की वजह से अभी तक मुकम्मल तौर पर PMDC बहाल ना हो सका।